Assalamu alaikum student, hope you all are fine. Today we can start the class 7 hills. The subject is English, lesson number 4. Topic is noun and pronoun. Student please open page number 25 till 28. It's your book, the grammar tree. Everybody understand the book? Know the book? The topic is noun and pronoun. The noun. The noun is a name of a person, place, animal or thing. This is called the noun. Now kinds of noun. There is in 7 kinds of noun. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun, compound noun. This is the kinds of noun, I think. Now, student, you know that what is pronoun? A pronoun is a word which is used instead of a noun. मतलब वो वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है इसको प्रोनाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउन मतलब वो होता है जैसे तुम, मैं, वो. इसको इंग्लिश में कहेंगे आई, वी, दे, यू. इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. इफ़ यू राइट द एसे ऑन कायदे आज़म, मतलब कायदे आज़म पे आप ऐसे लिखते हैं तो बार बार आप कायदे आज़म का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे. उनका जेंडर मेल है इसी वजह से उनके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? ही. दिस इज कॉल्ड द प्रोनाउन. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. दिस इज कॉल्ड द प्रोनाउन. क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन कहा जाता है. अब इस प्रोनाउन की भी काइंड्स हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन एक्सेट्रा. ओके, इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज बी करेंगे फर्स्ट और एक्सरसाइज सी करेंगे पेज नंबर 28 वाली. ठीक है, देख लीजिए एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी. इसके सिर्फ हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, बाकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे. और स्टूडेंट, आप ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे, कोई भी काम आपका किताब में नहीं होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, देन यू कैन राइट द काइंड्स ऑफ नाउन. सबसे पहले आप नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके काइंड्स पर आ जाएंगे. अलग अलग इसके जितने भी काइंड्स हैं इसकी सबकी डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी और आप इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ सारा इसका काम किया जाएगा. फिर एक्सरसाइज बी है, फिर एक्सरसाइज सी है आपकी. ठीक है स्टूडेंट, आई होप. और ये सारा काम आपका इंग्लिश की कॉपी के में ही होगा. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव. कौन सा टॉपिक है? एडजेक्टिव, लेसन नंबर 5. ये हमारा है लेसन नंबर 5. Now student, open page number 29. An adjective is a describing word. It says something more about a noun. Adjective वो word होता है जो noun के बारे में हमें बहुत तफसील से बताता है. काम, कब, कैसे, क्यों, किसने, कब किया. ठीक है, इसके भी kinds हैं, kinds of adjective. There are different kinds of adjective. Adjective of quality और adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, interrogative adjective, participle as adjective, demonstrative adjective. इसके भी बहुत सारे हमारे काइंड्स हैं जो हम आगे मैं इसको डिस्क्राइब करती जाऊंगी आपको. स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिफाइड एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर और मैनर ऑफ अ थिंग और अ पर्सन. मतलब इसमें किसी के साइज, कलर के बारे में हमें बताया जाएगा किसी भी पर्सन के. फॉर एग्जाम्पल, द टॉल स्लिम गर्ल स्टैंडिंग नियर द बिग गेट इज़ माई सिस्टर. द टॉल स्लिम गर्ल स्टैंडिंग नियर द बिग गेट इज़ माई सिस्टर. मतलब एक लंबी दुबली पतली लड़की जो है वो जो बड़े से गेट के पास खड़ी है वो मेरी बहन है. इसमें उस लड़की की तारीफ बयान की गई है, क्वालिटी बताई गई. ओके, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नंबर 2 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, जिसमें किसी चीज़ की मिकदार या नंबर के बारे में बताया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस दुकान पर जाते हैं आप कहते हैं कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, यही कहते हैं ना आप जाकर. अब वो जो है वो उस चीज़ को काउंट तो नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ तोल के 1 किलो चावल
दे देगा। लेकिन अगर आप अंडे लेने के लिए जाते हैं या ऑरेंजेस लेते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे एक दर्जन अंडे या एक दर्जन ऑरेंजेस चाहिए, तो वो आपको काउंट करके देता है। जिसको काउंट किया जाता है दिस इज कॉल्ड द नंबर, और जो काउंटलेस होता है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं जिसको उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नंबर थ्री इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू पॉइंट एट अ पर्सन और अ थिंग, एग्जाम्पल दिस दीज दोज एंड दैट, मतलब उसका उसने इतना उतना। एग्जाम्पल दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये आम बहुत मीठे हैं। दीज आर कॉल्ड द डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर फोर इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें सवाल किया गया हो, हुज विच एंड वॉट, क्या किसका कब, दिस इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हुज बुक्स हैव यू बोरो, ये किसकी किताब तुमने बोरो की है, उससे उधार ली है, किसकी। ओके, नंबर फाइव इज पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी एंड पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मतलब मैंने एक बहुत अच्छी दिलचस्प जो थी वो मूवी रात को देखी है। तो इसमें जो हमारा इंटरेस्टिंग का वर्ड है दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ओके, आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। नाउ लेट कम बैक टू द रिटन वर्क। अब हम इसके लिखने वाले काम पर आते हैं। इसके हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज बी करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ओके, ये काम आपको कॉपी में करना है, बुक में बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड माई एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।